हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि CDPO का वैकेंसी आ गया है। और CDPO का वैकेंसी, इसमें मैं बात करूंगा कि आपको CDPO और साथ ही साथ JPSC को कैसे टारगेट करना है एक साथ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है JPSC और CDPO का ऑलमोस्ट 3 स्टेप में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं और इसका सिलेक्शन होता है, जिसमें कि प्री होता है, मेंस होता है, ठीक है, और एक इंटरव्यू होता है, तब जा करके ये होता है। बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन कुछ हद तक सिलेबस भी सेम है। हम उसको अभी आने वाले इसी में कवर करेंगे कि क्या सारी डिटेल। मेरा यहाँ पे मेन मकसद है कि हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है और इसका कितना पोस्ट है और फॉर्म फिलिंग का क्या है। मैं यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट बताने नहीं आया हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करने आया हूँ सिलेबस, ठीक है, कि हम लोग कैसे एक साथ टारगेट करेंगे ताकि हमारे लिए एक अच्छा मतलब एक वे होगा दोनों पोस्ट को अचीव करने के लिए। क्योंकि होता है कि अगर आप, बोला जाता है ना कि अगर एक हाई पोस्ट को टारगेट करो तो आपको, मतलब अगर जो नीचे है, अगर सेम सिलेबस है, तो उसको अचीव करने में थोड़ा सा हम लोग को आसानी पड़ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसमें बात करेंगे कि इसका कैसे हम लोग करेंगे। देखो, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए जो पहली बार इसको फॉर्म फिल करेंगे। और क्योंकि ये तो ऑलरेडी 23 में 23 में ही आ गया था, लेकिन किसी कारणवश ये कंडक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन फिर अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे कि प्रेस रिलीज हुआ है, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 27/1 से स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिलिंग और इसका लास्ट डेट है 27/2, और आपका फी पेमेंट करने का है 28/2। तो इसके लिए ये सारे चीज़ को हम लोग को ध्यान रखते हुए, बहुत ही अच्छा एक पोस्ट है, 64 पोस्ट है। और इसका पे ग्रेड का बात करेंगे तो बहुत ही इसमें अच्छा खासा पे ग्रेड भी है, तो हम लोग को इसको टारगेट करना ही चाहिए JPSC के साथ साथ। तो मेरा मेन मोटो यही रहेगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि JPSC के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस और मेरा डेली टारगेट क्या होना चाहिए ऐसा कुछ आपको बताए हैं कि आपका ये डेली टारगेट कैसा आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये अभी इसको CDPO और JPSC को एक साथ टारगेट करने के लिए सोचा है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या है, कैसे है, और सबसे मेन मेरा मोटो रहेगा यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 पोस्ट है इसमें, और आप यहाँ पे डिटेल इसका देख पाएंगे, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, और आप लोग ने देख भी लिया होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेतनमान में ये पे ग्रेड है 5400, ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्रुप ख में आता है, बी में, और ये इसका आप सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं कि कितना दिन का ट्रेनिंग और क्या रहेगा इसमें। बताइए न्यूनतम जो है, मिनिमम एज जो है, ये 22 वर्ष होना चाहिए आपका, अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल क्या है। तो बिना किसी देरी का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका हम लोग को दोनों को JPSC प्लस CDPO, ये दोनों को कैसे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये आपका 100 100 मार्क्स का होगा। इसमें प्री का अगर हम लोग बात करते हैं, पहले पहले पीटी का बात कर लें, तो पीटी का बात करेंगे 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पेपर 1 है सामान्य अध्ययन का। इसका सिलेबस का हम लोग देखें तो इसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडिया का हिस्ट्री, और राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो हुआ था अपना फ्रीडम के लिए, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये ऐसा JPSC के प्री मेंस में भी है ये चीज़, तो हमको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत और विश्व का भूगोल। देखिए इसमें खास ये चीज़ है कि हम लोग को JPSC में PT में वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ना था, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया का। तो आपको पता है कि अभी मेरा ये सीरीज चल रहा है इंडिया का जियोग्राफी, और इस हम लोग को थोड़ा सा इस पे फोकस केवल एक्स्ट्रा करना होगा, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ लेना होगा। तो ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है, आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो, और देखिए राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी, और आपको पता है कि पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, और आज मैंने एक पॉलिटी का लेक्चर अपलोड किया है, तो आप उसको चाहे तो देख पाएंगे। और उसमें क्या है कि अभी मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया हूँ, इंट्रोडक्शन टाइप से है, तो ये आपके लिए अभी इनिशियल अच्छा रहेगा, आप इसको फॉलो करते रहोगे तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी देखना है, ठीक। झारखंड का बात करें तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, इतिहास, ठीक है, इकोनॉमिक्स, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर। तो ये चीज़ होता है कि जो कि हम लोग को सारा पेपर 1 में पढ़ना है JPSC के लिए भी, ठीक है।
तो बताइए इसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। तो आप अगर चाहो तो ये दोनों एक साथ टारगेट कर सकते हो और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पेपर टू में है 100 मार्क्स का, ये भी है पेपर टू, पेपर वन, पेपर टू। लेकिन मेंस में जेपीएससी का क्या था कि जेपीएससी में दोनों थे 200 मार्क्स का, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो था 2 मार्क्स का था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, राज्य, देश, विश्व। इसमें है कि हम लोग को करेंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल, इंटरनेशनल और अपना झारखंड का भी, ठीक है। तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। सामान्य विज्ञान देखिए, जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। और इसमें ये लिख दिया गया है कि किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको एकदम उसमें साइंस में जनरल साइंस ही पढ़ना है, आपको स्पेसिफिक अंदर डीपली इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग को ऊपर ऊपर से जितना एक सामान्य जानकारी होना चाहिए वो चीज़ रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सामान्य मानसिक क्षमता, इसमें है कि मेंटल एबिलिटी भी आपका चेक किया जाएगा, तर्क शक्ति, रीजनिंग बोल सकते हैं, तो ये चीज़ पूछा जाएगा। तो चलिए मतलब बहुत ही अच्छा एकदम बोल सकते हैं कि इसका सिलेबस है और हम लोग थोड़ा सा एफर्ट से इसको कवर कर सकते हैं। आपको देखिए इसमें दिया गया है कि 2 घंटे का होगा हर पेपर, पेपर वन, पेपर टू, ठीक है। तो 2-2 घंटे के होंगे, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेंस की बात करते हैं, इसमें सीडीपीओ का मेंस, सीडीपीओ का मेंस का सिलेबस क्या है। तो सीडीपीओ का मेंस के लिए देखिए ये 100 अंक का हिंदी होगा केवल, और ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसमें 30 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। तो और इसमें बता दिया गया है कि ये जो लेवल होगा इसका, ये 10th लेवल का ही हिंदी होगा, तो हमको ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और वैसे भी ये क्वालिफाइंग है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जनरल, ठीक है, सामान्य अध्ययन है, जनरल साइंस है, और इसमें क्या है कि ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो वैकल्पिक विषय, आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज करना होगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हो, और हो सकता है किसी किसी का ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट हो तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है गृह विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये सोशियोलॉजी। तो देखिए अगर समय अच्छा रहा और सब चीज़ ठीक रहा तो मैं इसमें थोड़ा अच्छा खासा जानकारी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए, तो मैं इसमें गाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कमिटमेंट अभी पूरी तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, और आप लोग तो लाइक शेयर कर रहे हो बट उतना नहीं, मैं थोड़ा सा अंदर से हैप्पी उतना भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा हूँ कि हाँ जितना थोड़ा सा एफर्ट दिया जाता है। पता है एफर्ट लगता है आपको, बस आप लोग को लगता हो कि नहीं, लेकिन जब मुझे पता है कि कितना इसमें टाइम देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फिर इस कारण से थोड़ा सा लगता है कि हाँ, अगर आप अगर किसी भी चीज़ को मेहनत कर रहे हो तो उसमें अप्रिसिएशन के लिए लाइक, लाइक पता है लाइक देने से वीडियो किसी और तक जाता है कि जिसको ज़रूरत है, वो थोड़ा सा यूट्यूब प्रमोट करती है, तो ये चीज़ चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए ठीक है, आप इसमें से ये 4 जो दिए गए हैं इसमें से कोई आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, तो और ये होगा आपका 200 मार्क्स का। नीचे बाकी का हम लोग को और ज़्यादा कुछ तो नहीं जानना है। इसमें एक देख लीजिए इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा। तो ये देखिए अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, तो इंटरव्यू कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होते हो, इसी से आपके रिलेटेड पूछेंगे, आप मेन पर्सनालिटी आपको वहाँ पे देखा जाता है, आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉलेज का टेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होता है, यहाँ पे इंटरव्यू में आपका बस पर्सनालिटी देखा जाता है। पर्सनालिटी इन द सेंस कि आप किसी भी चीज़ को कैसे समझते हो, आप किसी भी चीज़ का आंसर देने से पहले आप डर रहे हो या फिर किसी चीज़ को कितना थिंक कर रहे हो, कितना जल्दी जवाब दे रहे हो, तो बेसिकली ये ठीक ठाक रहता है। बस हम लोग को इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये क्लियर हो जाए तो इसमें मार्क्स लाना। हम लोग की पर्सनैलिटी यहीं से डेवलप होती है, ठीक है, धीरे धीरे ही डेवलप होती है। तो चलिए ठीक है, बाकी तो ज़्यादा कुछ जानने की इसमें ज़रूरत नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया था कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया होगा कि हमको टारगेट कैसे करना है जेपीएससी और सीडीपीओ एक साथ, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि इसमें और क्या हम लोग को कैसे इसमें फोकस करना होगा, तो देखिए अभी क्या है कि आप जेपीएससी का कर रहे होंगे, ठीक है, उम्मीद है जेपीएससी का कर रहे होंगे। इसका भी टाइमिंग एक दे चुका है कि टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, तो हमको इस पर अच्छे से फुली फोकस करना है, और साथ ही साथ इसके लिए हम लोग को इतने अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ेंगे कि इसमें भी काम आ जाए। और इसमें क्या काम आएगा कि जितना भी हिस्ट्री हो गया, इसमें नेशनल मूवमेंट हो गए, ठीक है, और पॉलिटी हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ऐसे हम लोग को टारगेट करना है कि ये चीज़ कवर हो जाए। बाकी जो लास्ट में बचेगा ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, और बाकी जो बचेगा
आप इसको चाहो तो 3 दिन में भी कवर कर सकते हो, 3 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो चाह जाओ तो, ठीक है। और होता है, पॉसिबल है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें हैं, फिर प्री क्लियर कर लो तो उसके बाद मेंस भी इसका ज़्यादा कुछ मुझे तो नहीं लगता है कि अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो कर लोगे, ये भी कर लोगे, सामान्य ये अध्ययन है ये भी कर लोगे, तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, जो भी एफर्ट डालना हो जोर लगा करके तो जेपीएससी में डालना है, जेपीएससी में एफर्ट अगर डालते हो तो बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसमें बोला जाता है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीरियस हो, अगर सेम सिलेबस है तो आप टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, दो एक साथ दो चीज़ का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, और बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है ना। तो चलिए ठीक है फ्रेंड, लाते हैं नेक्स्ट वीडियो, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।